Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. हम इस समय धौलपुर विधानसभा क्षेत्र जिसके पुराने शहर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये स्टेट समय का पुराना बाजार है और इस बाजार की बात की जावे तो इससे पूर्व में स्टेट समय में एक तो पुराना शहर जिसमें ये बाजार था वो लाल बाजार था और इससे आगे बात करें तो उदयवान गेट मिलेगा जो स्टेट समय का है। हम बात करेंगे चार साल में कांग्रेस का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इस चार साल में कांग्रेस सरकार की क्या उपलब्धि रही है। इस समय यहाँ के पुराने शहर के बासिंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या विकास कार्य हुए और इनका क्या मूड है। आप बताएं आपका नाम क्या है। मेरा नाम भारत भूषण है। चार साल में कांग्रेस को चार साल पूरे हो गए शासन को, गहलोत सरकार को, शहर के अंदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई विकास कार्य हुआ है क्या? यहाँ चार साल से नहीं, यहाँ से जो पहले भी मुख्यमंत्री रही थी श्रीमंत वसुंधरा राजे, उन्होंने भी यहाँ कोई विकास कार्य नहीं किया, ना कोई फैक्ट्री है। आप देख सकते हैं ना तो यहाँ सड़कें हैं, ना यहाँ पे नल हैं, ना लाइट की व्यवस्था है। हम इतनी ऐसी असुविधाएं झेल रहे हैं। आप पहली तो समस्या सबसे बड़ी इस समय रोड की है। रोड को कई बार कहते हैं टेंडर हो गए, लेकिन चार साल से ना तो यहाँ पर थेगरी लगी या इनका मेंटेनेंस हुआ। यहाँ पुराना शहर है, पानी जब बरसात का होता है तो घरों में पानी भर जाता है, उसकी निकासी भी नहीं हो पाती है। अधिकारियों से शिकायत करते हैं, कोई सुनता है, कोई कहता है यहाँ करेंगे देखेंगे, लेकिन आता कोई भी नहीं है। लाइट की समस्या के लिए टोल फ्री नंबर पर हमने कई बार शिकायत दर्ज की, पानी के लिए हमने शिकायत दर्ज की, लेकिन कागजों में ही केवल कार्रवाई होती रहती है। कोई भी अधिकारी यहाँ चेक करने के लिए नहीं आया। मैंने उनसे बार बार कहा है कि मेरा मोबाइल नंबर लो, मेरा पता लीजिए, मुझसे अधिकारी से संपर्क कराइए। अधिकारी से हमने संपर्क किया कि साहब यहाँ पर पानी नहीं आता है, दोनों टाइम एक टाइम नल आते हैं, जबकि बगल में चम्बिल है, यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे पानी है। यहाँ से पानी भरतपुर लोग, कामा लोग, डीग लोग वहाँ तक जा रहा है, लेकिन शहर के हम लोग पुराने शहरगंज, हमारा धौलपुर सूखा है, अभावग्रस्त है, दुखी हैं, हम परेशान हैं। चार साल में आपने देखे सड़क नहीं बनी है, गड्ढों में सड़क है आप कह रहे हैं, तो इससे पहले जब बीजेपी सरकार थी उस समय सड़क बनी थी क्या? नहीं, उस समय भी सड़क नहीं, ये तो बनी ही नहीं है। केवल यहाँ शहर के जो वासी हैं अब कचरा ला के उससे एक सा कर देते हैं, बाकी ये गड्ढे हैं, ठेगरी लगा देते हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि चार साल के भीतर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, सड़क देखा जाए तो गड्ढों में, बिजली, पानी, ये लोग शिकायत करते हैं अधिकारियों से, लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई नहीं करता है। क्षेत्रीय विधायक की बात करें शोभा रानी की, तो इन्होंने कई बार उनसे भी कहा है, लेकिन उन्होंने भी इनकी कोई भी सुनवाई नहीं की। हमारे साथ में एक और भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित सक्सेना है और मैं यहाँ पे अपना छोटी सी मजदूरी करता हूँ। मैं टहली के जाता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्लस उसके अलावा कि यहाँ से इतने गड्ढे हो चुके हैं कि ले जाने लाने में अपने ठेले को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि मेरे को पता है। और यहाँ से वहाँ तक लाने में कई बार मेरा नुकसान ही हुआ है। इससे पहले मेरा ठेला एक बार पलट भी चुका था, काफ़ी नुकसान भी हुआ था, वो मैंने किया, लेकिन कई बार शिकायत भी की है, ज्ञापन भी दिया है, लेकिन ज्ञापन में आश्वासन दिया जाता है, सारे कागज की खानापूर्ति की जाती है, सारे झूठी आश्वासन दिया जाता है कि ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होता है। उसके अलावा अब इसके सड़क के बाद में मुद्दा उठाते हैं लाइट का। लाइट की ये होता है कि जब मन में चाहे जब काट देते हैं और छूट देते हैं, छूट क्या 50 यूनिट की छूट दी थी, उनसे ज़्यादा तो उसने महंगाई बढ़ा दी। प्लस लाइट समय से मिल रही है, जो चोरी की जला रहा है उसको तो समय से मिल रही है, जो बिल भर रहा है उसको समय से लाइट नहीं मिल रही है। इसके अलावा आता है पानी, पानी की समस्या पता ही नहीं है, चार दिन में एक बार नल आ रहे हैं, एक टाइम आ रहे हैं वो भी सही तरीके से नहीं आते हैं, सुबह लाइट कटौती कर दी जाती है, जिस समय पानी भरने का समय होता है उस समय लाइट काट देते हैं, ये दोनों को पता ही नहीं है क्या है। और कोई सी भी सरकार हो या कांग्रेस हो या बीजेपी, इन दोनों में से कोई ने ऐसा काम नहीं कराया है कि धौलपुर की जनता खुश हो। प्लस इसके बाद आता है बेरोजगारी हो रही है इतनी कि इनने कोई भी दोनों में सरकारों में से कोई भी ऐसा एक फैक्ट्री नहीं डाली जिससे कि यहाँ 150 या कितने भी मजदूर यहाँ पे उसमें काम कर सकें। नहीं, यहाँ धौलपुर विधानसभा में दो बार शोभा रानी कुशवाहा विधायक रह चुकी हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया क्या?
यहाँ पे क्या जीतने के बाद में कोई नहीं आता है, जब जीत उस चुनाव के समय पे सारे लोग आते हैं कि ये होगा वो होगा, सारे झूठा आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं होता है। जीतने के बाद में सब अपने घर पर बैठते हैं, और हमने नल की समस्या को उनके कई बार अवगत कराया, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देता है, सब खाने पूर्ति होती है, कुछ नहीं होता कागजों में, ध्यान नहीं है। हमारे साथ में एक और यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद है, आपका नाम क्या है? बालकृष्ण श्रीवास्तव। अच्छा, 4 साल हो गए कांग्रेस को, काफी विकास कार्य किए, काफी योजनाएं उसने लागू की हैं, आप संतुष्ट हैं इससे? नहीं साहब, नहीं संतुष्ट है। कैसे? यूँ क्या, यहाँ जो होना था वो जो हो नहीं रहा है। क्या नहीं हुआ? यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है जी, परेशानी ज्यादा है, रोड खराब डले हुए है। अब चुनाव होगा दिसंबर 2023 में, अब दिसंबर का महीना लग गया, अब दिसंबर 2023 में चुनाव है, तो बीजेपी कांग्रेस में से आप किसको चुनेंगे? देखो जब समय आएगा जिसका हल्ला होगा बढ़िया उसे ही देंगे वोट, फालतू नहीं देंगे किसी को। साथ एक और यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? आलोक मिश्रा। अच्छा, एक बात बताएं, कांग्रेस सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं, दिसंबर 2023 में चुनाव है, ठीक है, आप उसके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं, कांग्रेस के विकास कार्यों से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारा पुराना शहर का रोड करीब करीब 15 वर्ष से ऐसा ही डला हुआ है, ना तो यहाँ कोई कार हो रहा है, लेफ्ते बड़ी समस्या है नल की। पहले बीजेपी गवर्नमेंट में कम से कम 2 टाइम नल तो आते थे, अब तो 1 टाइम नल ही बंद कर दी गए हैं, और लाइट की भी कटौती काफ़ी होती है, सुबह नल आते हैं तो लाइट की कटौती आती है 6 से 8, जो कि पुराने शहर में स्पेशल रूप से कर रखी है। कांग्रेस में देखा जाए तो सचिन पायलट और गहलोत में द्वंद चलता रहा, आप 4 साल निकल गए इस द्वंद में, यहाँ के मंत्री आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, अब 1 साल बचा है, ठीक है, तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? ये तो उनका आपसी रंजिश है, अब इससे नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, ये तो वही जाने, हमें तो नहीं समझ में आता। यहाँ पर शोभा रानी कुशवाहा विधायक हैं इस विधानसभा क्षेत्र की, यानी कि उन्होंने आज तक जो जन समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनसे उनको अवगत नहीं कराया आपने? वो खुद अपनी पता ही नहीं उन्होंने कौन सी पार्टी में ज्वाइन कर रखा, उन्होंने पहले तो बीजेपी में थी, फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, और वो कभी पार्टी मिलने तो आती नहीं है, सोनाई शहर में तो शायद आई नहीं है शोभा रानी जब से MLA हुई हैं। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीनिवास गुर्जर। अच्छा, ये कांग्रेस सरकार गहलोत सरकार को 4 वर्ष पूरे हो गए, तो उसके विकास कार्य योजनाओं से आप संतुष्ट हैं? कोई ज़्यादा अच्छे काम तो नहीं है, हमारे पुराने शहर की तो सड़क इतनी ख़राब है कि मोटरसाइकिल पैदल भी आना जाना भी मुश्किल हो रहा है, बहुत स्थिति ख़राब है शहर की हमारे की। तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने जो 4 साल निकाले हैं, आपसी खींचतान, गहलोत बरसे सचिन पायलट और मंत्रियों में आरोप प्रत्यारोप, तो इस विकास कार्य हुए या आपसी खींचतान रही? आपसी खींचतान ज़्यादा है। यहाँ की क्षेत्रीय विधायकें शोभा रानी कुशवाहा चुनाव जीतने के बाद में आपसे जन समस्या, मूलभूत समस्याओं को लेकर के आप मिले या आपके पास वो आई क्या? वो तो किसी से नहीं मिलती हैं, न क्षेत्र में जाती हैं, न किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं है उनका। तो साफ तौर पर कहना है कि आज पुराना शहर मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? श्रीकेश मंचल। अच्छा, कांग्रेस सरकार को 4 साल पूरे हो गए, बिल्कुल, ठीक है, उसके विकास कार्य योजनाएं आप संतुष्ट हैं उनसे? अरे बिल्कुल नहीं साहब, सड़क ही पूरी खुद ही खुदाई डरी है धौलपुर की, कांग्रेस की सरकार में भयो का 4 साल में कुछ नहीं। शोभा रानी कुशवाहा विधायक हैं, उनसे आपने कभी मूलभूत समस्याओं के लिए अवगत कराया या वो आपसे मिलने आई? कभी नहीं मिलने आई, कभी नहीं, कभी या रोड से निकल के भी गई हैं तो ये नहीं देखा है कि ये रोड खुद रहे हैं कि क्या गड्ढे हैं क्या है, मोटरसाइकिल तक तो निकल नहीं पाती। और क्या क्या मूलभूत समस्याएं जिससे आप जूझ रहे हैं? लाइट है, पानी है, मेन तो पानी की समस्या है, पानी जा रहा है, यहाँ पानी नहीं है, हाँ, भरतपुर पानी जा रहा है, भरतपुर जा रहा है, और राय गिरा के लिए तैयार है। आपका नाम क्या है? रमजान अली। अच्छा, एक बात बता, कांग्रेस सरकार को 4 साल पूरे हो गए, ठीक है, उसके विकास कार्य योजनाओं से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। कैसे बताएं भाई? सब चीज़ मिल रही है, बस खाली रोड है जो नगर पालिका करेगी, अपन थोड़ी करेंगे, सरकार वाली थोड़ी करेगी, राजस्थान की भाई गहलोत सरकार तो वहाँ की है सर, राजस्थान की पूरे की पूरे की राजस्थान का थोड़ी है। नहीं, पुराने शहर मिल रहे हैं, पुराने शहर के अंदर बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं से जूझ रहा है? सबसे ज़्यादा सड़क की और पानी की प्रॉब्लम है बस।
और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, बिजली तो सही है जो आती है जो आ रही है, मगर पानी और जो सड़क है खराब डली है, यहाँ पर आए दिन गाड़ियाँ पलटती रहती हैं, लगती रहती है बच्चों के, वो ही ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, 2023 में विधानसभा चुनाव है, अब दिसंबर में होगा, तो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छे कार्य किए हैं, तो आप आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस नेता को देखना चाहते हैं आप सीएम के रूप में? हम तो गहलोत को ही देखना चाहते हैं, और कोई चीज होनी चाहिए हमें। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? गोविंद। अच्छा, एक कांग्रेस को 4 साल पूरे हो गए आज, ठीक है ना, कांग्रेस के विकास कार्य और योजनाओं से आप संतुष्ट हैं? कांग्रेस गेहूं देती है, तेल देती है, सड़क नहीं बनवाती है, और वैसे सब सुविधाएं कांग्रेस की, मगर सड़कों की सुविधा गलत है जौनपुर में, पुराना शहर गंज। अच्छा, कोई विकास कार्य दिखा आपको? कोई विकास कार्य नहीं है, वैसे कहते हैं कांग्रेस सही है, मगर इसमें विकास है कहाँ है कांग्रेस में, उसमें कोई विकास नहीं है कांग्रेस में, सड़क है खराब है, रोज बच्चे गिरते हैं सड़कों पर। यहाँ की क्षेत्रीय विधायक कभी आपसे चुनाव जीतने के बाद मिलने आई क्या? कोई नहीं मिलने आता है धौलपुर में, एक दफे जीत के चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। इनका कहना है कि एक चुनाव जीतने के बाद में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी का जो भी विधायक यहाँ बना हो, लेकिन मूलभूत समस्या और विकास को लेकर के कोई बात नहीं करता है। कई बार ये लोग यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे मुलाकात की है, लेकिन ना सड़क बनी, ना बिजली, ना पानी की समस्या से पुराना शहर आज भी जूझ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं ये गड्ढे हैं, आप देख सकते हैं ये गड्ढे हैं, सड़क तो आपको दिखेगी नहीं, ठीक है, ये स्टेट समय का बाजार है। अधिकारी से ये लोगों ने कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है, सड़क को लेकर के चाहे बिजली हो पानी हो, लेकिन एक कहावत सही चरतार्थ साबित हो रही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यानी कि ये कहावत धौलपुर प्रशासन के लिए चरतार्थ साबित हो रही है, क्योंकि ना तो बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी इनकी सुन रहा है, PWD विभाग की बात करें तो नहीं सुन रहा है, जलदाय विभाग की बात करें कोई भी अधिकारी इनकी सुनता नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि जो सड़क है वो में सिर्फ गड्ढे नज़र आएंगे, सड़क आपको नज़र नहीं आएगी। 15 साल हो गए लेकिन पुराने शहर की सड़क अभी तक नहीं बनी है, और यहाँ के लोग यही उम्मीदें लगाए हैं कि कब सड़क बनेगी। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।